हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको प्रतिदिन वीडियोज़ देने की पूरी कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, आपको 4 से 5 वीडियो जो डेली में देने की पूरी कोशिश करूंगा और दे भी रहा हूं। सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी और ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की केमिस्ट्री में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस पर मैंने 3 चैप्टर के क्वेश्चन को अटेंड किया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, जो फर्स्ट वो था लेसन जो था आपका, वह था हेलो एल्किन था हेलो एरिन, दूसरा था एल्कोहल फिनारी था और तीसरा जो था एल्डिहाइड वाला था। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊँगा, जिनमें से यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, इन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज देख लेते हैं तो भी आपको 90+ से कोई नहीं रोक सकता। 90+ नहीं तो आप अच्छे मार्क तो लेकर आ ही जाएंगे इस इम्पॉर्टेंट सीरीज वाली से। यदि आप पढ़ते हैं तो भी आप अच्छे मार्क लेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तैयार कर लेना। ये 5 नंबर में पूछा जाता है और ये प्रत्येक बार पूछा जाता है लगभग। इसके बाद मैं एक बार दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर देखने को मिलेंगे। नहीं भी मिलते तो यार मेरे ख्याल से देखने को यही क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं आपसे 100% डन करता हूँ। मैं तो एक टीचर हूँ, क्योंकि मैं एक पेपर तो आपका बनाऊँगा नहीं, परंतु यही क्वेश्चन मेरे एक्सपीरियंस से, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह लकड़ी के भंजक आसन द्वारा मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। इसके बाद है प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का वर्णन। इसके बाद है हमारा सिरे या स्टार्च से एथिल एल्कोहल की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। सिरे लेना या फिर स्टार्च से, आपको मैं सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इनको कंप्लीट करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिए। तो 5 क्वेश्चन तक मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इसके बाद चलते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन की ओर। तो आज का अपना 6ठा क्वेश्चन है वह प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ विद चित्र सहित। आपको 1 मिनट, यदि आप उन वीडियोज़ों को 10-10 मिनट इन क्वेश्चनों के लिए दे देते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जीवन भर नहीं भूलेंगे और आप अच्छे मार्क भी लेकर आ जाएंगे। तो मैंने आपका ये 6ठा क्वेश्चन भी कम्प्लीट करवा दिया। इसके बाद चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी, तीसरा चैप्टर है जो एल्डिहाइड वाला, उसे मैं करवा रहा हूं, तो इसे भी मैं जल्दी करवाने वाला हूं। आप इतने क्वेश्चन को तैयार रखिए, मुझे कमेंट कीजिए तो ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का मेरे चैनल पर वीडियो नहीं डाला गया। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है प्रयोगशाला में एस्टिल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसे भी मैंने अभी तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, इसलिए अभी मैंने इसे भी नहीं बनाया है। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। एसीटोन को किस प्रकार से बनाते हैं, मैं इसको आपको प्रयोगशाला विधि सहित करवा चुका हूँ सचित्र वर्णन। इसके बाद प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल को कैसे बनाते हैं, इसका भी सचित्र वर्णन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पर मैंने आपको 3 चैप्टर को उठाए हैं, हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन, दूसरा चैप्टर आपका एल्कोहल फिनाल और ईथर, और तीसरा चैप्टर आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला। तो ये 10 क्वेश्चन यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो इन 10 क्वेश्चनों में से आपका जो सपना है अच्छे मार्क लेकर आने का वो पूरा हो जाएगा। तो बस स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पर है, यदि आपको नहीं मिल रहे तो आप पहले क्वेश्चन लिख देंगे, फिर इसके बाद करना क्या है, आपको इस तरह बाय लिखना है। बाय लिखने के बाद इस चैनल का नाम लिख देना है सक्सेस नॉलेज, आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएगा और आप अच्छे से देख पाएंगे। यही आपको लिख देना है KNOWLEDGE सक्सेस नॉलेज लिख देंगे बाय लगा के क्वेश्चन लिखने के बाद, तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगा।